हरिओम। घर में बैठे योग साधना इस शिविर में हम अलग अलग योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन योग शास्त्र में इस प्रैक्टिकल अभ्यास के साथ तात्विक अभ्यास करना भी बहुत ही आवश्यक है। तात्विक बातें, तात्विक ज्ञान, इससे हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और हमारे शारीरिक मानसिक लाभ भी बढ़ते हैं। इसीलिए इस शिविर में 4 या 5 व्याख्यान हम जरूर सुनेंगे, तो हर हफ्ते में 1 व्याख्यान हमारे 1 घंटे के योगाभ्यास में ही रहेगा। पहले 45 मिनट हम प्रैक्टिकल करेंगे और अंत में 15 मिनट के लिए अलग अलग व्याख्यानों का अभ्यास हम करेंगे, उसकी जानकारी भी हमें लाभदायक रहेगी। तो इसीलिए कल के शिविर में पहला व्याख्यान हम सुनेंगे, योगाभ्यास की पूर्व तैयारी। इन व्याख्यानों के लिए हमें अलग अलग योग तज्ञ लोगों का लाभ मिलने वाला है। कल का व्याख्यान तो मैं खुद ही करूँगा, बाकी व्याख्यानों के लिए योग के जाने माने योगाचार्य, इनसे आपको ये ज्ञान मिलने वाला है। सुस्वागतम। घर में बैठे बैठे करो योग साधना। इस शिविर के 9वें दिन में आप सबका हार्दिक स्वागत। प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठिए, स्वस्तिकासन, पद्मासन, वज्रासन, पीठ और गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत। प्रार्थना। आराम से आंखें खोल दीजिए। आसन छोड़कर बैठक स्थिति स्वस्थ अवस्था में आएंगे। दोनों पैर सीधे, हाथ कमर के बाजू में। बैठक स्थिति से दंड स्थिति 1, 2, 3। सूर्य नमस्कार पूर्व स्थिति में आना है। आज हम सूर्य नमस्कार करेंगे। तैयार हो जाइए सूर्य नमस्कार के लिए। दोनों पैर मिले हुए हैं, हाथों की नमस्कार अवस्था। ओम राम मित्राय नमः। लंबी सांस ले 1। सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए 2। सांस लेते बायां पैर पीछे 3। सांस रोकिए दूसरा पैर पीछे 4। सांस छोड़ता है अष्टांग जमीन पर 5। सांस लीजिए भुजंगासन 6। सांस रोकते हुए कमर ऊपर 7। सांस रोककर ही दाहिना पैर आगे 8। सांस छोड़ते हुए झुककर खड़े 9।
सांस लेते हुए सीधे 10 ओम ह्रीम रवये नमः लंबी सांस 1 सांस छोड़ते आगे झुकिए 2 सांस लेते बायां पैर पीछे 3 सांस रोकिए दूसरा पैर पीछे 4 सांस छोड़ते हुए अष्टांग जमीन पर 5 सांस लीजिए भुजंगासन 6 सांस रोकिए कमर ऊपर 7 सांस रोककर ही दाहिना पैर आगे 8 सांस छोड़ते झुककर खड़े 9 सांस लेते हुए सीधे 10 ओम रूम सूर्याय नमः लंबी सांस 1 सांस छोड़ते आगे झुके 2 सांस लेते बायां पैर पीछे 3 सांस रुकिए दूसरा पैर पीछे 4 सांस छोड़ते अष्टांग जमीन पर 5 सांस लेते हुए भुजंगासन 6 सांस रुकिए कमर ऊपर 7 सांस रोककर ही दाहिना पैर आगे 8 सांस छोड़ते झुककर खड़े 9 सांस लेते हुए सीधे 10 ओम ह्रीं भानवे नमः अभी मैं सिर्फ सांस की सूचना दूंगा अंक दूंगा बाकी अवस्था आप अपने मन से करने की कोशिश करेंगे लंबी सांस लीजिए 1 सांस छोड़िए 2 सांस लीजिए 3 सांस रोकिए 4 सांस छोड़िए 5 सांस लीजिए 6 सांस रोकिए 7 सांस रोककर ही 8 सांस छोड़िए 9 सांस लीजिए 10 बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं ओम ह्रौं खगाय नमः लंबी सांस 1 सांस छोड़िए 2 सांस लीजिए 3 सांस रोकिए 4 सांस छोड़िए 5 सांस लीजिए 6 सांस रोकिए 7 सांस रोककर ही 8 सांस छोड़िए 9 सांस लीजिए 10 ओम रह उष्णवे नमः ओम रह उष्णवे नमः लंबी सांस ले 1 सांस छोड़िए 2 सांस लीजिए 3 सांस रोकिए 4 सांस छोड़िए 5 सांस लीजिए 6 सांस रोकिए 7 सांस रोककर ही 8 सांस छोड़िए 9 सांस लीजिए 10 ओम ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः आपने सांस तो अच्छे से किए हैं अवस्थाएं भी आपने मन से बहुत ही अच्छे किए हैं थोड़ा सा ध्यान आपको गर्दन की ओर भी थोड़ा सा रखना है तो अब मैं गर्दन की अवस्था बोलूंगा अंक दूंगा बाकी आप अपने मन से करना है सांस भी मन से करेंगे कोशिश करें हमें ध्यान रहता है
या कैसे, ठीक है। एक में ऐसे ही खड़े, दो गर्दन अंदर कर दीजिए पूरी अंदर, तीन गर्दन ऊपर से पीछे, गले में तनाव देखिए, चार नजर सामने गर्दन सीधी, पांच गर्दन थोड़ी सी अंदर झुकाइए, छह गर्दन पूरी तरह पीछे ले जाइए, सात गर्दन पूरी अंदर कर दीजिए, आठ गर्दन ऊपर से पीछे ले जाइए, नौ गर्दन अंदर की दिशा में झुका दीजिए, दस सीधे हो जाइए गर्दन सीधी। ओम ह्रीं मरीचये नमः। बाकी अवस्थाएं आप बहुत ही अच्छे से मन से करिए, ध्यान गर्दन के ऊपर, क्योंकि गर्दन में जो तनाव दबाव आता है उससे बहुत सारे लाभ हमें मिलते हैं, क्योंकि यहाँ थायराइड ग्लैंड है, उसमें दबाव आ रहा है, तनाव आ रहा है, तो उसके जो अंतरस्त्राव है बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं। पूरे ध्यान से गर्दन की मूवमेंट करते रहिए। एक में ऐसे ही खड़े रहेंगे, एक दो में गर्दन अंदर की दिशा में, दो बाकी अपना अपना करना है, तीन गर्दन ऊपर से पीछे, चार नजर सामने गर्दन सीधी, पांच गर्दन थोड़ी सी अंदर, छह गर्दन ऊपर से पीछे ले जाइए, सात गर्दन अंदर दबा दीजिए गले में पूरा दबाव, आठ गर्दन ऊपर से पीछे, नौ गर्दन पूरी अंदर, दस ओम रूम आदित्याय नमः। लंबी सांस लीजिए, एक सांस छोड़ते आगे झुके, दो गर्दन अंदर, सांस लेते बायां पैर पीछे, तीन गर्दन ऊपर, सांस रुकिए दूसरा पैर पीछे, चार गर्दन सीधी नजर सामने, सांस छोड़ते अष्टांग जमीन पर, पांच गर्दन थोड़ी अंदर, सांस लेते हुए भुजंगासन, छह गर्दन पीछे, सांस रोकते हुए कमर ऊपर, सात गर्दन अंदर दबाइए, सांस रोककर ही दाहिना पैर आगे, आठ गर्दन ऊपर से पीछे, सांस छोड़ते हुए झुककर खड़े, नौ गर्दन अंदर, सांस लेते हुए सीधे, दस। तो आज नौ सूर्य नमस्कार हमने किए हैं। अब सूर्य नमस्कार की अवस्था छोड़कर हाथ नीचे, एक दंड स्थिति से बैठक स्थिति, एक दो तीन शयन स्थिति, एक दो विश्राम करेंगे शवासन, एक पैरों में अंतर, दो हाथ शरीर से थोड़े दूर, तीन गर्दन बाईं या दाहिने तरफ, स्वस्थ पूरी तरह विश्राम कर लीजिए। नौ सूर्य नमस्कार आज हम पूरे किए हैं, पूरे शरीर में बहुत ही अच्छा तनाव दबाव, ऐसे अलग अलग परिणाम हम अनुभव कर रहे हैं, शरीर के सारे भागों में, सारे जॉइंट्स में बहुत ही अच्छा परिणाम सूर्य नमस्कार से मिलता है। साथ ही में सांस को जोड़ा गया है, मंत्रों का उच्चारण है, सूर्य देवता की उपासना भी है, ये सारे लाभ हमें यहाँ मिल रहे हैं। पूरी तरह विश्राम करें, शरीर में जो भी तनाव हुआ है कम करने का प्रयास करें, स्वस्थ रिलैक्स पूरी तरह विश्राम,
सांस अपने आप धीमी होने दीजिए, मन एकदम शांत, पूरी तरह विश्राम। सावधान, शमासन छोड़ना है, गर्दन सीधी, एक हाथ शरीर के पास, दो दोनों पैर मिला दीजिए, तीन। अब शयन स्थिति की अवस्था ही ऐसे ही रखते हुए हम दो आसनों का अभ्यास करेंगे जो हमने पहले सीखे हुए हैं। एक है नौकासन, दूसरा है द्विपाद उत्तान पादासन। तो नौकासन में आपने देखा है कि बैलेंस संभालना बहुत ही आवश्यक है और पेट में बहुत ही अच्छा तनाव आने के कारण इसके लाभ भी हमें बहुत सारे मिलते हैं। तो पहले करते हैं नौकासन तैयार। पहली अवस्था में अपने दोनों पैर थोड़े से ऊपर उठाइए 45 डिग्री तक, और दो नंबर की अवस्था में पीठ ऊपर कर दीजिए, दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़ लीजिए, दो। बहुत ही अच्छा प्रयास। अगर पैरों के अंगूठे ठीक से नहीं पकड़े जाते हैं तो जहाँ तक हाथ है वहीं पकड़ लीजिए, बहुत ही अच्छे। और बैलेंस संभालिए, बैलेंस संभालते संभालते कोशिश करिए हाथों को और थोड़ा ऊपर ले जाने की। जैसे जैसे हम रोज प्रैक्टिस करेंगे, देखिए इतना अच्छा नौकासन हम जरूर कर पाते हैं। तो इस प्रकार इसमें बैलेंस महत्वपूर्ण है, बाकी शरीर में इतनी समस्या नहीं है इसमें। तो अब हम आसन छोड़ते हैं, पहले हाथ नीचे पीठ नीचे, दोनों पैर जमीन पर रख दीजिए, दो। रिलैक्स, शरीर ढीला, बहुत ही अच्छा प्रयास आप लोग सभी कर रहे हैं। और एक आसन आज करेंगे हम, द्विपाद उत्तान पादासन। ये आसन हमने 30 सेकंड तक इसके पहले स्थिर रखा था, अब थोड़ा सा समय बढ़ाएंगे क्योंकि समय जितना बढ़ाएंगे उसके लाभ भी बढ़ते जाएंगे। तब हम ये आसन 45 सेकंड अर्थात 45 सेकंड तक स्थिर रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर किसी को बीच में ज़्यादा तनाव होने लगे, तकलीफ होने लगे, वो अपना अपना आसन छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो तैयार हो जाइए द्विपाद उत्तान पादासन। पहले सांस छोड़िए, सांस भरते भरते आराम से पैर ऊपर उठाना शुरू, 90 डिग्री लाइए, पैरों के अंगूठे आकाश की दिशा में, हाथों के तलवे जमीन को है, बाकी शरीर ढीला छोड़े, संत श्वसन। सिर्फ 45 सेकंड्स हमें स्थिर रहने का प्रयास करना है, तो ये अच्छा प्रयास है। अपना पूरा ध्यान आसन की ओर कर लीजिए, सांस अपने आप चलने दीजिए, उसे रोकना नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रयास आप सभी कर रहे हैं। 15 सेकंड पूरे हुए हैं, अब सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं, आपने बहुत अच्छी सी कोशिश की है। अपने जिस शरीर के भाग को तनाव नहीं है, आवश्यक नहीं है, उसे ढीला करें, अर्थात चेहरे पर तनाव की आवश्यकता नहीं, चेहरे के मसल्स ढीले, पीठ के मसल्स ढीले, हाथों के मसल्स ढीले। बहुत ही अच्छा प्रयास है, पूरा ध्यान आसन की ओर। अब सिर्फ 15 सेकंड बचे हुए हैं, बहुत ही अच्छे से आपने कोशिश की है और पूरे समय तक आसन स्थिर रखने का प्रयास किया है। अब अपना ध्यान है पैरों की तरफ, पैरों को ज़्यादा तनाव नहीं है लेकिन स्थिर रखने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। बहुत ही अच्छा प्रयास है सभी लोगों का, सिर्फ 5 सेकंड और करना है, आपने पूरा समय तक बहुत अच्छा आसन किया है, बहुत ही अच्छे से आप लोग कर रहे हैं, समय पूरा हुआ है। अब हम आसन छोड़ेंगे, पहले लंबी सांस लें, सांस छोड़ते हुए आराम से पैर जमीन पर, रिलैक्स रिलैक्स, शरीर ढीला, रिलैक्स। अब थोड़ा सा विश्राम करेंगे, शवासन, एक दो तीन, स्वस्थ, पूरी तरह विश्राम करना है, मन शांत, शरीर में जो भी तनाव हुआ है उसे कम करने का प्रयास करें, रिलैक्स। श्रमे जाते शवासनम,
शवासन करने से शरीर के सारे श्रम कम होने में मदद हो जाती है। सावधान, हम शवासन छोड़ रहे हैं, गर्दन सीधी, एक हाथ शरीर के पास, दो, दोनों पैर मिला लीजिए, तीन, बैठक स्थिति में आएंगे, एक, दो, स्वस्थ बैठे, एक, दो, रिलैक्स, बहुत अच्छे से आप लोग आसन कर रहे हैं, आज अभी और हम आगे चलेंगे। सबसे पहले जो हमने कल आसन सीखा है वक्रहस्त भुजंगासन, इसका थोड़ा अभ्यास करेंगे, बाद में एक नया आसन भी हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो वक्रहस्त भुजंगासन हमने कल ही किया है, तो दोनों हाथ भुजंगासन की अवस्था में वक्र रहेंगे, इसलिए उसको वक्रहस्त भुजंगासन कहा गया है, ठीक है। इसे कैसे करना है ये भी हमने कल समझ लिया है, कल देख भी लिया है, विपरीत सहन स्थिति से दो ही अंकों में इसे किया जाता है, कि हम पूरे का कल बहुत ही अच्छे से करके भी देखे हैं। इसके लाभ के एक बार ध्यान से ध्यान में रखें कि भुजंगासन में जो भी आपको लाभ मिलते हैं वो सारे लाभ इसमें थोड़े और बढ़ते हैं, क्योंकि जब हम शरीर को ऊपर उठाते हैं तो हाथों का आधार कम से कम लेते हैं, जिसके कारण रीढ़ की जो हड्डी है उसके ऊपर सारा तनाव आ जाता है, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है, उसके मसल्स जो है उनकी ताकत भी बढ़ती है, लचीलापन भी बढ़ता है, ये सारे लाभ हमें और ज़्यादा मिलने लगते हैं, ठीक है। सावधानी तो हम हर बार देख ही रहे हैं कि पहले से अगर कुछ भी बीमारियाँ ज़्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं करेंगे, विशेष रूप से पेट का कोई ऑपरेशन और स्पाइन के बारे में कोई भी ऑपरेशन हो तो आप इस आसन को नहीं करेंगे, ठीक है। तब करके देखेंगे, सभी तैयार हो जाइए, स्वस्थ से बैठक स्थिति में आना है, एक, दो, बैठक स्थिति से विपरीत सहन स्थिति में आ जाइए, बायां पैर पास, एक, दाहिना पैर पास, दो, बायां पैर पीछे, तीन, दाहिना पैर पीछे, चार, अष्टांग जमीन पर, पांच, विपरीत सहन स्थिति, पूर्ण, छह, रिलैक्स। अब विपरीत सहन स्थिति में अब हम करेंगे वक्रहस्त भुजंगासन। नंबर एक की अवस्था के लिए दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते हुए छाती के पास रखिए, उसी समय माथा जमीन को लगा दीजिए, अच्छे। दो नंबर के लिए पहले सांस छोड़े और सांस भरते हुए पीठ के बल ऊपर उठने की कोशिश करें, दो, हाथों का जस्ट आधार लिए, ज्यादा नहीं, और हो सके यहां स्थिर रहना है, संत श्वसन, कोशिश करेंगे शरीर का ज्यादा से वजन पीठ पर ही रहेगा, रीढ़ की हड्डी के ऊपर पूरा वजन रहेगा। बहुत ही अच्छे से आपने किया है, अब हम आसन छोड़ रहे हैं, सांस लीजिए, सांस छोड़ते आराम से नीचे, दोनों हाथ बाजू से कमर के पास, दो, रिलैक्स। बहुत अच्छी कोशिश है आप सबकी और अच्छे से हम कर पाएंगे जरूर, और एक बार हम करके देखते हैं वक्रहस्त भुजंगासन। एक नंबर के लिए हाथ बाजू से गोल घुमाते हुए छाती के पास, सांस छोड़िए, सांस भरते हुए आगे से शरीर ऊपर उठाना शुरू, दो, गर्दन ऊपर, छाती ऊपर, पेट का थोड़ा भाग, कोशिश करें हाथों का आधार कम से कम, शरीर का वजन पीठ पर, नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस रोकनी नहीं है, कोशिश तो आपने बहुत ही अच्छे से की है। आसन छोड़ने के लिए तैयार, सांस ले, सांस छोड़ते आराम से शरीर जमीन पर, दो में दोनों हाथ बाजू से कमर के पास, दो, पूरा शरीर ढीला, विपरीत सहन स्थिति से बैठक स्थिति में आ जाइए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, बैठक स्थिति स्वस्थ में बैठ जाइए, एक, दो। सर्वासन भी हमने सीखा है,
विन्यासन भी सीखा है, वक्रस्थ भी सीखा है, तो और एक नया आसन इसी अवस्था से हम सीखेंगे, उसका नाम है धनुरासन। यह आसन भी विपरीत शयन स्थिति से किया जाता है, ठीक है। तो इस आसन का जो धनुरासन नाम दिया गया है, तो इस आसन में अपने शरीर की अवस्था धनुष्य जैसी हो जाती है, इसीलिए इस आसन को धनुरासन कहा गया है। धनुष्य मालूम है ना आपको, राम जो बाण लगाते हैं, तो इस जैसी अवस्था हमारी हो जाती है, समझ में आ गया। अब ये आसन कैसे किया जाता है ये पहले आपको मैं समझा दूंगा, उसके बाद मेरे सह शिक्षक आपको करके दिखाएंगे, फिर हम सब करके देखेंगे, ठीक है। तो धनुरासन जो है विपरीत शयन स्थिति से तीन अंकों में किया जाता है। तो पहले अंक के लिए अपने दोनों पैर जो है घुटनों में मोड़ कर बैठक के पास लाने और पैरों में थोड़ा सा अंतर, एक आधा एक फीट का अंतर इसे ज़्यादा रखना है। उसके बाद दोनों हाथों से अपने पैर के एंकल ज्वाइंट भी वहाँ पकड़ना है आपको। और तीसरे अंक के लिए पहले सांस छोड़ेंगे और सांस भरते भरते हाथों से पैरों को खींचेंगे, पैरों से हाथों को खींचेंगे और पूरा शरीर ऊपर उठाएंगे। तो ऐसी ये धनुष जैसी अवस्था हो जाएगी, सिर्फ पेट जमीन पर रहेगा, बाकी पूरा शरीर ऊपर उठेगा, दोनों हाथ सीधे रहेंगे, ये ऐसी अवस्था है। आसन छोड़ने के लिए इसी प्रकार छोड़ना है, पहले अंक में सांस भरेंगे, सांस छोड़ते छोड़ते शरीर को नीचे रखेंगे। दो में हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथ जमीन को लगाएंगे और तीसरी अवस्था में दोनों पैर जमीन पर रखते हुए विपरीत शयन स्थिति में चले जाएंगे। समझ में आ गया सबको, तब यह आसन कैसे किया जाता है पहले हम देखेंगे। मेरी सूचना सशिक्षक के लिए आपने सिर्फ देखना है, ठीक है। तब हम देखते हैं धनुरासन। तैयार। पहली अवस्था के लिए दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करें और बैठक के पास ले आइए। इस प्रकार उसी समय दोनों पैरों में थोड़ा अंतर भी करना है, साधारण एक फीट का। दूसरी अवस्था के लिए दोनों हाथों से पैरों को पकड़ना है, दो एंकल जॉइंट के पास पकड़ेंगे इस प्रकार। और तीसरी अवस्था में पहले सांस छोड़ेंगे और सांस भरते भरते हाथों के आधार से शरीर को ऊपर उठाएंगे। तीन, मतलब पैरों को खींचना है, हाथों को सीधा करना है, तो अपने आप शरीर ऊपर आएगा। इस प्रकार देखिए पूरे धनुष जैसी अवस्था है, ये धनुष का शेप जो यहाँ देख रहे हैं ना, और शरीर का पूरा वजन जो है पेट के बल आ गया है, पैरों में थोड़ा सा अंतर है, गर्दन ऊपर देखने का हम प्रयास करें, छाती को तनाव है। हम आसन छोड़ेंगे, पहले सांस लें, सांस छोड़ते हुए छाती जमीन पर, एक पैर भी जमीन पर। दो नंबर में दोनों हाथ कमर के पास रखें, दो। तीन नंबर में दोनों पैर जमीन पर रखेंगे और जोड़कर विपरीत शयन स्थिति। सबको समझ में आ गया ठीक से, तो और यार आगे एक बार हम करते हैं, क्योंकि बहुत सारी गलतियां आपने से हो सकती है, तो गलतियां नहीं होनी चाहिए और आसन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आसन जितना ठीक रहेगा उसके लाभ हमें ज्यादा मिलेंगे। तो और एक बार देखते हैं हम धनुरासन। तो एक में दोनों पैर फोल्ड करें, बैठक के पास ले आए, इसमें अंतर थोड़ा रखना जरूरी है। दो में दोनों हाथों से पैरों को पकड़ लीजिए, दो। तीन में सांस छोड़े, सांस भरते हुए शरीर को ऊपर उठाइए, देखिए ये अवस्था करेक्ट है। इसमें हम हाथों को बेंड नहीं करेंगे, ढीला नहीं छोड़ेंगे, ऐसे बेंड करेंगे तो आसन उठेगा नहीं। दूसरी बात है, नज़र को है ना नीचे नहीं करना है, हमें गर्दन ऊपर और नज़र भी ऊपर, ये अवस्था है। ये ज़्यादा भी बढ़ाना नहीं है अंतर, नहीं तो फिर घुटनों में तकलीफ शुरू होती है, ठीक है। तो आसन छोड़ने के लिए सांस लें, सांस छोड़ते शरीर जमीन पर, दो नंबर में हाथ जमीन पर, दो। तीन नंबर में दोनों पैर नीचे, पूर्ण। सबको समझ में आया ठीक से, आप अभी थोड़ा विश्राम करेंगे। तो सबने देखा कैसे होता है धनुरासन, अब हम इसे सब करके देखेंगे, लेकिन पहले उसके लाभ क्या है ये हम जान लेते हैं। धनुरासन के बहुत सारे लाभ हमें मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे आपने भुजंगासन देखा है,
तो भुजंगासन में शरीर के आगे के भाग के रीढ़ की जो हड्डी है इसके सब ऊपर वाले हिस्से में लाभ मिलता है। शलभासन में ये आसन जो आप किए हैं शलभासन, तो शलभासन में रीढ़ की हड्डी के कमर के पास जो है ये फायदे मिलते हैं। धनुरासन ये जो आसन आज नया किया है ये दोनों आसनों का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों के लाभ कुछ हद तक आपको मिलते हैं, अर्थात पूरा स्पाइन लचीला होने के लिए आपको इसका फायदा मिलता है क्योंकि पूरे स्पाइन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है। इसी के साथ हाथ और पैर ये दोनों के जो मसल्स है स्नायु हैं इसमें एक प्रकार का तनाव आता है, खिंचाव आता है, तो उनका भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है, उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ने लगती है। तो एक ही आसन में बहुत सारे लाभ हमें मिलते हैं, जैसे भुजंगासन में पेट पर भी अच्छा तनाव था, इसमें भी है। तो पेट के अंदर जितने भी इंद्रिय है, यकृत, लीहा, अधिवृक्क ग्रंथि, पैंक्रियाज, ये सारे जो अंतर इंद्रिय है उनके अंतर स्राव बढ़ने लगते हैं और हमारा पाचन और उत्सर्जन ये अच्छे से होने लगता है। इस आसन में आपने देखा है कि शरीर का पूरा वजन पेट के बल है, तो इसके कारण पेट में और अच्छा दबाव आता है और इससे पाचन के लिए बहुत लाभदायक ऐसे परिणाम हमें दिखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फायदे धनुरासन में हमें मिलते हैं, लेकिन फिर भी हर एक आसन में कुछ न कुछ दक्षता जरूर होती है। इसमें आप ध्यान से देखिए कि सारे लाभ पीठ के लिए है, लेकिन फिर भी पहले से रीढ़ की हड्डी में आपको कोई समस्या है, जैसे कि लंबर स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, कोई भी गंभीर बीमारी हो, तो आप डॉक्टर की सलाह के बगैर इसे नहीं करेंगे। उसी के साथ पेट पर बहुत अच्छा दबाव है, तो पेट में कोई भी समस्या है, पेट का कुछ ऑपरेशन हुआ है, तो 6 महीने तक ये तो नहीं करना है, उसके बाद आप डॉक्टर की सलाह से करना नहीं करना ये डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ क्योंकि गलत तरीके से कोई भी आसन होता है तो आपको तकलीफ होनी ही है, इसलिए ठीक समझ लेना और उसे ठीक करना ये महत्वपूर्ण बात होती है। सबको समझ में आ गया है? ठीक है, तो अब हम करके देखते हैं धनुरासन। तो पहले बैठक स्थिति, स्वस्थ से बैठक स्थिति आ जाइए, 1 2 बैठक स्थिति से विपरीत शयन स्थिति में चलना है, 1 2 3 4 5 6। अब हम करेंगे धनुरासन, तो तैयार हो जाइए। नंबर 1 की अवस्था के लिए दोनों घुटनों को फोल्ड करें और बैठक के पास लाने की कोशिश करें। 1 2 में दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ने की कोशिश करें, 2 6 उसी समय पैरों में थोड़ा अंतर आवश्यक है, साधारण 1 फीट का अंतर। और 3 में पहले सांस छोड़िए और सांस भरते भरते हाथों से पैरों को खींचना शुरू करें। 3 आसन पूर्ण करते हुए संत श्वसन करना है, अपने से जितना हो उतना करने की कोशिश करें और उसे स्थिर रखें। थोड़ा कम होता है शुरू शुरू में, लेकिन कोशिश करने से आसन स्थिर भी हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से आपने सबने आसन किया है, अब हम आसन छोड़ेंगे। पहले सांस भरें, सांस छोड़ते छोड़ते शरीर नीचे ले जाइए। 1 2 में दोनों हाथ कमर की बाजू में रखें, 2 3 में दोनों पैर जमीन पर ले जाइए और जोड़कर विपरीत शयन स्थिति, 3 रिलैक्स। बहुत ही अच्छे से आप सभी कर रहे हैं, आपको भी अंदाजा आ रहा है कि कैसे तनाव शरीर में हो रहा है, पेट पर सारा वजन है तो पेट में भी कैसे लग रहा है। तो और एक बार इसको कोशिश करेंगे। कुछ साधक जो है उनकी जो पैर है हाथ की पकड़ में नहीं आ रहे हैं, कोशिश करें, जैसे जैसे रोज करते जाओगे वो अपने आप होने लगेगा। ठीक है, तैयार। धनुरासन 1 में पहले दोनों पैर फोल्ड करें, 1 बैठक के पास लेने की कोशिश, जितने पास लाएंगे हाथ दोनों पर पकड़ेंगे, 2 में दोनों हाथों से पैरों को पकड़ लीजिए, 2 3 में पहले सांस छोड़े और सांस भरते भरते शरीर को उठाना शुरू, 3 हाथों को खिंचाव देना है तो अपने आप शरीर ऊपर आएगा। आसन पूरे करते ही संत श्वसन, मन शांत, जितना हो सकता है आसन स्थिर करें, ज्यादा जबरदस्ती नहीं करें।
मन शांत, संत श्वसन बहुत ही अच्छे से आपने किया है। अब हम आसन छोड़ेंगे, पहले सांस भरे, सांस छोड़ते हुए शरीर नीचे, दो नंबर में दोनों हाथ जमीन पर, दो, तीन में दोनों पैर जमीन पर, तीन, ऐसे पूर्ण स्वस्थ बहुत ही अच्छे से आपने आसन किया, इसको किया है, जैसे जैसे करेंगे और अच्छे से जरूर कर पाएंगे। अब हम थोड़ा सा विश्राम करेंगे, अब मकर आसन कर लीजिए, पहले पैरों में अंतर, एक, दोनों हाथ आगे, दो, गर्दन किसी एक तरफ झुका दीजिए, तीन, स्वस्थ, रिलैक्स, पूरी तरह विश्राम, पूरा शरीर ढीला कर दीजिए, मन शांत रखे, शांत रखिए, धनुरासन में पीठ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में बहुत ही अच्छा तनाव हमने किए हैं, उस तनाव को कम करने की कोशिश करेंगे। मन शांत, संत श्वसन, मंद श्वसन, सावधान, मकर आसन छोड़ना है, एक, दो, तीन, बैठक स्थिति में आना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, अच्छे से आपने सभी आसन किए हैं। हम आगे और आसनों का कुछ अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हमने जो अर्ध पश्चिमोत्तानासन सीखा है उसे पहले हम करके देखेंगे। अर्ध पश्चिमोत्तानासन दोनों तरफ से, एक बार बाई पैर से कर सकते हैं, एक बार दाहिने पैर से, हम प्रैक्टिस करेंगे। अर्ध पश्चिमोत्तानासन हमने पिछले हफ्ते में सीखा हुआ है, उसके लाभ भी हमने जाने हुए हैं। इसकी प्रैक्टिस करने के बाद हमें पश्चिमोत्तानासन भी सीखना है, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस हम आज फिर एक बार करके देखेंगे। अर्ध पश्चिमोत्तानासन पहले बाएं पैर से, एक में बायां पैर घुटनों में मोड़कर शरीर के पास ले आए और बायां पैर का तलवा जो है दाहिनी जांघ को लगा दीजिए, दो में बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़े और दाहिना हाथ कमर को लपेट लीजिए, दो, तीन में पहले सांस ले, सांस छोड़ते छोड़ते कमर से आगे झुके, पीठ से नहीं, कमर पूरी नीचे करने का प्रयास, तीन, आहिस्ता आहिस्ता आगे झुकते झुकते अपना माथा घुटने को लगाने का प्रयास करें। उसी अवस्था में संत श्वास, मंद श्वसन और शरीर जितना हो सकता है ढीला करें। सामने का जो पैर है दाहिने वाला, उसका घुटना सीधा रहेगा, बाकी शरीर को रिलैक्स, पूरी तरह शरीर ढीला। इससे क्या होगा, जो शरीर में कंप होता है, हलचल होती है, वो अपने आप स्थिर होने लगी। बहुत अच्छे से आपने किया है आसन। अब हम छोड़ेंगे, पहले सांस छोड़े, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर उठाइए, पीठ ऊपर, दो में दोनों हाथ कमर के बाजू में, दो, तीन में बायां पैर सीधे, तीन, रिलैक्स, बहुत ही अच्छे। इसी प्रकार दाहिने पैर से भी हम करके देखते हैं। अर्ध पश्चिमोत्तानासन, एक में दाहिना पैर घुटनों में फोल्ड करते हुए बाई जांघ को लगा दीजिए, एक, दो में दाहिने हाथ से बाएं पैर का अंगूठा और बायां हाथ कमर को लपेट दीजिए, दो, तीन में पहले सांस भरे, सांस छोड़ते छोड़ते कमर से आगे झुके, तीन, कमर को झुकाना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना माथा घुटने की ओर ले जाइए और कोशिश करेंगे जिनका हो सकता है माथा घुटने को लगाइए। उस अवस्था में संत श्वसन,
मन शांत, बहुत सारे विद्यार्थियों के, साधकों के अच्छे आसन हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे से आप कोशिश कर रहे हैं, जैसे जैसे करते रहोगे और अच्छी अवस्थाएं आपको जरूर प्राप्त हो जाएंगे। हम आसन छोड़ते हैं, एक में पहले सांस छोड़े, सांस भरते हुए कमर से ऊपर, एक दो में दोनों हाथ कमर की बाजू में, दो तीन में दाहिना पैर सीधा, तीन बैठक स्थिति में आ जाइए, बहुत अच्छे शांत अब स्वस्थ अवस्था में बैठेंगे, एक दो। अब हम देख रहे हैं कि जो वज्रासन हमने सीखे हैं, तो वज्रासन की फिर एक बार हम प्रैक्टिस करेंगे। कल ही आपने देखा है वज्रासन, तो वज्रासन जो है इसका नाम जो ग्रंथों में दिया गया है, तो कोई वज्र इस प्रकार के हथियार से इसका कोई संबंध नहीं है, एक नाम है वज्रासन, और ये बैठक स्थिति से किया जाता है, ये भी हमने आपको समझाया है। चार अंकों में करेंगे, चार अंकों में छोड़ेंगे, इसके बहुत सारे लाभ भी हैं, ये भी हमने देखे हैं कि वज्रासन में जब आप बैठते हैं तो एक ही ये आसन ऐसा है कि जब खाने की बात करें तो भी लाभ देता है। तो खाने के बाद इस आसन में अगर बैठते हो तो अपना पाचन तंत्र अपने आप अच्छे से होने लगता है, ये इसकी महत्वपूर्ण बात है। खाली दक्षता में ध्यान में रखेंगे कि अगर घुटनों में दर्द है तो वो ये आसन डॉक्टर की सलाह से भी नहीं करेंगे, क्योंकि घुटनों में दर्द बढ़ ही जाएगा, क्योंकि घुटने पूरे फोल्ड होते हैं और चेहरे का वजन उसमें ऊपर आता है, इसलिए नहीं करेंगे। ठीक है, तो करके देखते हैं हम वज्रासन। तैयार हो जाइए, बैठक स्थिति स्वस्थ से, बैठक स्थिति एक दो, तो वज्रासन के लिए तैयार हो जाइए। एक में बायां पैर घुटनों में मोड़कर पास ले आइए, एक दो में दूसरा पैर मोड़कर पास ले आइए और पैरों के तलवे पर बैठ जाइए, दो और हाथों का सपोर्ट जमीन को, तीन में दोनों घुटने जमीन पर लगाइए, पैरों के तलवे पीछे कर दीजिए, दोनों एड़ियों में अंतर और उसमें बैठना है, तीन और चार में दोनों हाथ घुटनों पर उल्टी अवस्था में, जैसे द्रोण मुद्रा कहा जाता है, पीठ गर्दन सीधी, मन शांत, अच्छे से आपने आसन किया है, आसन इसी प्रकार छोड़ेंगे, एक में दोनों हाथ कमर की बाजू में, एक दो में दोनों तलवों के ऊपर खड़े हो जाइए, दो बैठ जाइए, तीन में दाहिना पैर आगे सीधा, तीन बायां पैर सीधा, चार, बहुत ही अच्छे, आपकी कोशिश बहुत अच्छी है, थोड़ी सी पैरों के यहाँ के जॉइंट है, वहाँ तनाव आता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत से आपको ये ठीक होने लगेगा। ठीक है, और एक बार करके देखते हैं वज्रासन। एक में बायां पैर घुटनों में मोड़कर शरीर के पास, एक दाहिना पैर मोड़कर तलवे के ऊपर बैठ जाइए, दो तीन में घुटने जमीन पर, पैरों के तलवे फैला दीजिए, तीन अपने एड़ियों में अंतर, अंगूठे एक पास, रुक में बैठक, चार में दोनों हाथों के तलवे घुटनों पर, चार संत श्वसन, पीठ सीधी रखते हुए बाकी शरीर को जितना हो सकता है ढीला कर दीजिए, मन शांत। इसी प्रकार अब हम आसन छोड़ेंगे, एक में दोनों हाथ कमर के बाजू में, एक तलवे के ऊपर बैठ जाइए, दो बैठक जमीन पर, बायां पैर सीधा, तीन दाहिना पैर सीधा करते हुए बैठक स्थिति, चार रिलैक्स बैठक स्थिति स्वस्थ में बैठ जाइए, एक दो एकदम रिलैक्स शांत, बहुत ही अच्छे से आपने ये आसन किया है वज्रासन। अब आज एक और नया आसन हम सीखने जा रहे हैं, उस आसन का नाम है वज्रासन योग मुद्रा प्रकार एक, क्योंकि इसमें दो प्रकार है, प्रकार दो भी हम आगे सीखने वाले हैं, लेकिन पहले हम सीखेंगे वज्रासन योग मुद्रा प्रकार एक। तो वज्रासन हम तो समझ लिए हैं, योग मुद्रा ये जो नाम दिया गया है योग की एक विशेष मुद्रा है, क्योंकि मुद्राएं आगे बहुत अलग अलग है, उसका इससे कोई संबंध नहीं है, तो ये योग की एक विशेष मुद्रा है, इसलिए योग मुद्रा कहते हैं। और प्रकार एक प्रकार दो जो है, तो प्रकार एक में हम हाथ ऐसे पीछे रखते हैं, प्रकार दो में आगे रखते हैं, इतना ही उसमें फर्क है, समझ में आ गया। तो ये आसन की पूर्व स्थिति जो है वज्रासन है, मतलब बैठक स्थिति से पहले वज्रासन करना पड़ेगा और वज्रासन से हम
दो अंकों में ये आसन पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आसन कैसे करेंगे ये मैं पहले आपको समझा दूंगा, इसके बाद मेरे सहशिक्षक आपको करके दिखाएंगे, फिर हम बाद में सब करके देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ठीक से? चलो, तो वज्रासन जब हम करेंगे, वज्रासन के आगे दो अंक है, तो एक नंबर के अवस्था में अपने दोनों हाथ इसे कमर के पीछे ले जाइए और इस प्रकार आपको बांधने हैं एक दूसरे के बीच, तो दोनों हाथ ऐसे पीछे रहेंगे, सीधे रहेंगे, और दो नंबर में पहले पूरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते छोड़ते कमर से आगे झुकने का प्रयास करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता झुकना है, अपने से जितना हो झुकते जाइए और कोशिश करेंगे अपना माथा जमीन को लगाने की। हर एक को शुरू में नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस से अपने आप आहिस्ता आहिस्ता होते जाएगा। और आसन छोड़ना भी इसी प्रकार दो अंकों में है, एक में पहले सांस छोड़ेंगे, सांस भरते 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 कमर से सीधे होना है, और दो में दोनों हाथ जो हमने पीछे लपेट लिए हुए हैं उनको सामने घुटनों के ऊपर रखना है। समझ में आ गया? तो ये है वज्रासन योग मुद्रा प्रकार एक। अब हम पहले देखेंगे, मेरी सूचना सहशिक्षक के लिए, आपने सिर्फ देखना है। ठीक है, तो हम देखते हैं वज्रासन योग मुद्रा प्रकार एक। इसकी पूर्व स्थिति है वज्रासन, वज्रासन से आगे हम इसको करेंगे। एक नंबर में अपने दोनों हाथ कमर के पीछे लपेट लीजिए, नजर सामने है, इसमें ध्यान में रखना है झुकना है कमर से, एकदम पीठ से नहीं। ठीक है, तो पहले सांस ले, सांस छोड़ते छोड़ते कमर से आगे झुकना शुरू, दो, और अपना माथा जमीन को लगाने की कोशिश करेंगे, और एक बार माथा जमीन को लग गया पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। तो ये है वज्रासन योग मुद्रा, दोनों हाथ ऐसे कमर पर है, बाकी शरीर पूरा ढीला छोड़ दिया है, माथा जमीन को है। आसन छोड़ेंगे, पहले सांस छोड़िए, सांस भरते भरते आराम से ऊपर उठना शुरू, एक, दो में दोनों हाथों के तले घुटनों पर, दो। ठीक से समझ में आ रहा है सबको? और एक बार हम इसे देखते हैं वज्रासन योग मुद्रा प्रकार एक, फिर एक बार देखेंगे तो इसमें गलतियां नहीं होगी और अच्छे से हो जाएगा पूरा। पहले पूर्व स्थिति में आइए वज्रासन, और वज्रासन से हम देखेंगे योग मुद्रा प्रकार एक। तो नंबर एक के लिए दोनों हाथ कमर के पीछे, तो यहाँ लगाने के बाद जब हम आगे जाएंगे उनको ढीला रखना है, इसमें ज्यादा तनाव नहीं रखेंगे। ठीक है, और दो में लंबी सांस भरे, सांस छोड़ते छोड़ते आराम से आगे। अब ये जो है ना, कभी कभी हम यहाँ बेंड करते हैं, तो ऐसे नहीं करेंगे, पहले कमर से आराम से चले जाइए और जितना होता है उतना ही करेंगे। अब ये आपको आदर्श दिखाया है, लेकिन अपने से अगर इतना भी हो गया तो भी चलेगा। कभी कभी क्या होता है, इतना होने के बाद हम कमर को उठाते नीचे जाने के, तो ये नहीं करना है। माथा नहीं लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन कमर नहीं उठाएंगे। ठीक है, तो आसन छोड़ना है, पहले सांस छोड़े, सांस भरते भरते ऊपर, संत श्वसन, दो में दोनों हाथ घुटनों पर, दो, रिलैक्स। सबको समझ में आ गया कैसे करना है? तो अभी हम सब इसे करके देखेंगे, इससे पहले इसके लाभ जानते हैं। वज्रासन के तो फायदे आपने देखे हैं पहले ही आसन में। अब योग मुद्रा प्रकार एक में क्या होता है, हाथ जब हम पीछे देते हैं और आगे झुकते हैं तो अपना पेट जो है ना पूरा फूल होता है, और पेट के अंदर जितने भी इंद्रिय है उसके ऊपर दबाव आना शुरू होता है। तो ये दबाव आने के कारण क्या होता है, इसके अंदर जो भी इंद्रिय है, यकृत है, प्लीहा है, अधिवृक्क ग्रंथि है, पैंक्रियाज है, जाठर है, उसी के साथ छोटी आँख बड़ी आँख भी उसके नीचे है, ये सारों में ऊपर दबाव आ जाता है, और उसके अंदर जितने भी रस तैयार होते हैं, जैसे हम अंतस्त्राव बोलते हैं, तो वो रस अच्छे से तैयार होने लगते हैं, और अपना पाचन और उत्सर्जन दोनों भी अच्छा होने के लिए ये आसन बहुत ही लाभदायक है। इसी के साथ इस आसन करने से पेट का मोटावा भी अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि जो बल्क है उसके ऊपर पूरा दबाव होने लगता है, तो बहुत सारे लाभ इसमें होते हैं। कमर जो है उसमें हल्का हल्का तनाव भी आपको मिलता है आखिरी वाले भाग में,
तो उसके लचीलापन बढ़ने के लिए भी यह आसन लाभदायक है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, पेट पर दबाव है तो सीधी सी बात है, किसी भी कारण में आपका पेट का ऑपरेशन हुआ है, हर्निया से किसी भी बात से हो, या अपने डिलीवरी के कारण भी होते हैं ना, तो ऐसे किसी भी कारण स्टिचेस है, तो वो ये आसन 6 महीने तो बिल्कुल नहीं करेंगे, उसके बाद डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? तो ये बात हम बार बार दोहरा रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार की बीमारी जो गंभीर है, नॉर्मल से अलग है, वो जरूर डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी आसन करना उनके लिए ठीक नहीं है। समझ में आ गया? तो अब हम सब करके देखेंगे। चलो तैयार हो जाइए, पहले बैठक स्थिति स्वस्थ से, बैठक स्थिति पैर जोड़ दीजिए 1, हाथ कमर के पास 2। अब यह आसन बैठक स्थिति से ही करना है, तो अब हम पहले वज्रासन करेंगे। तैयार, 1 में अपना बायां पैर पास ले आइए, 1, 2 में दूसरा पैर पास लेते हुए तलवों के ऊपर बैठ जाइए, 2, 3 में दोनों घुटने जमीन पर और पैरों के तलवे पीछे, 3, 4 में दोनों हाथ घुटनों पर, 4। यह है वज्रासन, और वज्रासन से अब हम करते हैं योग मुद्रा प्रकार 1। तो नंबर 1 की अवस्था के लिए दोनों हाथ कमर के पीछे बांध दीजिए, 1, 2 में लंबी सांस ले, सांस छोड़ते छोड़ते आराम से आगे झुकिए, 2, आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना है और कोशिश करनी है माथा जमीन को लगाने की, जोर जबरदस्ती से नहीं, बहुत ही अच्छे आसन पूरा होते ही संत मंद श्वसन, बहुत ही अच्छे से आपने किया है, पूरा शरीर ढीला कर दीजिए, पूरा शरीर ढीला, जैसे शरीर ढीला करते हैं तो माथा अपने आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने लगता है, इसलिए जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, कमर को भी नहीं उठाएंगे। आसन अब हम छोड़ते हैं, पहले सांस छोड़िए, सांस भरते भरते आराम से ऊपर आइए, 1, 2 में दोनों हाथ पीछे से आगे ले आइए घुटनों पर, 2, बहुत ही अच्छा प्रयास है, बहुत सारे लोगों को ठीक से आ रहा है, अगर आपका माथा नहीं भी लगता है तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, इसलिए और एक बार हम करके देखते हैं वज्रासन योग मुद्रा प्रकार 1। तैयार हो जाइए, 1 में दोनों हाथ पीछे, 1, 2 में लंबी सांस ले, सांस छोड़ते छोड़ते आराम से कमर से आगे झुकने का प्रयास, 2, बहुत ही अच्छे आसन पूरे होते ही संत श्वसन मंद श्वसन, शांत बैठे शरीर को पूरा ढीला छोड़ने का प्रयास करें, मन का ध्यान अपने शरीर की ओर रखें, अपने आसन की ओर रखें और जितने भी तनाव है निकालने का प्रयास करें, बहुत ही अच्छे। अब हम आसन छोड़ रहे हैं, पहले सांस छोड़िए, सांस भरते भरते आराम से ऊपर उठना शुरू, 1, 2 में दोनों हाथ अपने घुटनों पर ले आइए, 2, बहुत ही अच्छे वज्रासन छोड़ दीजिए, 1, 2, 3, 4। बैठक स्थिति से अब हम शयन स्थिति जाते हुए विश्राम करेंगे, शयन स्थिति 1, 2, शवासन 1, 2, 3, स्वस्थ पूरी तरह विश्राम, मन शांत, मन का पूरा ध्यान शरीर की ओर, शरीर ढीला करने की ओर ध्यान रखिए, पूरी तरह विश्राम। इस आसन में पेट में थोड़ा सा दबा हुआ है, पेट के सारे मसल्स ढीले कर दीजिए, रिलैक्स रिलैक्स। सावधान, शवासन छोड़ना है, 1, 2, 3। बैठक स्थिति 1, 2। और बैठक स्थिति से अब हम आसनों का अभ्यास पूरा करके प्राणायाम की ओर चलते हैं।
दीर्घ श्वसन, इसलिए पद्मासन या कोई भी ध्यानात्मक आसन। पद्मासन में आ जाइए, एक दो तीन चार, ध्यान मुद्रा, पीठ और गर्दन सीधी कर दीजिए। अब हम 4 सेकंड सांस भरना और 6 सेकंड सांस छोड़ना, इसी का ही प्रयास करेंगे। इसे हम कोशिश करेंगे 5 से 10 मिनट तक करने की, ठीक है। तो जैसे जैसे हमें लाभ बढ़ते जाएंगे इसके, तो तैयार हो जाइए, आंखें बंद, मन शांत, पीठ सीधी रखते हुए, बाकी पूरा शरीर ढीला, सांस अपने आप मंद मंद हो रही है। उस सांस की ओर ध्यान देते हुए प्राणायाम शुरू करते हैं, दीर्घ श्वसन शुरू करते हैं। तैयार, शुरू कीजिए। सांस लें, एक दो तीन, छोड़िए, सांस लें, एक दो तीन, छोड़िए, एक दो तीन चार पाँच, लीजिए, एक दो तीन, छोड़िए, एक दो तीन चार पाँच, लीजिए, एक छोड़िए, पूरा ध्यान प्राण शक्ति की ओर दीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए,
बाद रुकना है, शांत बैठे, संकट श्वसन, ओंकार करते हुए आज का शिविर पूरा करते हैं। तैयार, हाथों के तलवे आंखों पर रख दीजिए। बाहर का प्रकाश अंदाज लेते हुए आराम से हाथ नीचे, पर्वतासन, एक दो, शरीर पूरा खींच लीजिए। आसन छोड़ना है, एक दो, शरणागत मुद्रा, एक दो, ईश्वर को शरण जाने की भावना अपने मन में, योग साधना, ईश्वर चरणी अर्पण, मुद्रा छोड़नी है, एक दो, पद्मासन छोड़ना है, एक दो, तीन, चार, रिलैक्स, दोनों पैरों को ढीला कर दीजिए, रिलैक्स कर लीजिए और दंड स्थिति में आइए, एक दो, तीन, वृक्षासन, एक हाथ बाजू से नमस्कार अवस्था, दो, बैलेंस को संभालते शरीर ऊपर खींचिए, आसन छोड़ना है, एड़िया जमीन पर, एक हाथ बाजू से नीचे, दो, हरिओम।